कस्बे के पूर्वी बाईपास चौराहे के समीप इलाहाबाद की ओर जा रहे डीजे में टक्कर मारकर रोडवेज बस फरार हो गई, जिससे डीसीएम चालक का पैर टूट गया। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने डीसीएम चालक को किसी तरह से निकालकर उपचार के लिए भिजवा दिया और बस की तलाश में जुट गई। थागा कोतवाली क्षेत्र के पूर्वी बाईपास स्थित चौराहे पर इलाहाबाद की ओर जा रहे डीजे में रोडवेज बस टक्कर मारकर फरार हो गए, जिससे मुर्गी लाद कर जा रहे ड्राइवर सुभाष नाथ निवासी पिलानी जिला झुंझुनू राजस्थान और खलासी राम निवास निवासी बजावा थाना मंटोना राजस्थान घायल हो गए। बताया जा रहा है कि डीसीएम में मुर्गी लाद कर पंजाब से खड़गपुर जा रहा था, तभी खागा पूर्वी बाईपास चौराहे के समीप और रोडवेज बस टक्कर मारकर फरार हो गई। ड्राइवर साहब क्या नाम है? सुभाष। ये कहाँ के रहने वाले हैं? पिलानी। कहाँ कहाँ चोट आई? पैर में। और तो मतलब ज़्यादा किसी को दिक्कत नहीं हुई? आपको कोई दिक्कत? तो रोडवेज बस से टक्कर हुआ? बस सामने से आ रही थी कि बगल से? आगे आगे चल रही थी तो अचानक मोड़ दिया उसने? अचानक मोड़ दिया ब्रेक लेके। उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती के विकासखंड जमुनाहा के अंतर्गत ग्राम छप्पनपुरवा के अंगूरपुरवा लोहारनपुरवा में विकास को लेकर बड़ी लापरवाही ग्राम प्रधान की आई। आपको बताते चलें कि ग्रामीणों द्वारा मिली जानकारी के पिछले 5 वर्षों में गांव में कोई विकास नहीं हुआ। यूएफटी न्यूज 24 की टीम ग्राम बलिदानपुरवा अंगूरपुरवा लोहारनपुरवा में जाकर ग्रामीणों से पूछताछ के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गांव में कोई विकास कार्य नहीं करवाया और ना ही नाली बनी हुई है, ना ही कोई सफाई कर्मी आता है, केवल वोट मांगने के लिए आते हैं ग्राम प्रधान। और जब हमारे संवाददाता प्रीतम सिंह ने गांव की ग्राउंड रिपोर्ट उठाई तो पता चला गांव में कोई विकास नहीं हुआ। किस ग्राम सभा के रहने वाले हैं आप? किस ग्राम सभा के रहने वाले हैं? गांव का क्या नाम है? अंगूरपुरवा। ये बताइए, यहाँ पर कोई नाली या कोई विकास इस तरीके से करवाया गया गाँव में? कोई नहीं नाली विकास, कोई इस गांव में कोई विकास नहीं करवाया? 5 साल से कोई विकास नहीं हुआ गांव में? कुछ नहीं, कुछ कोई विकास ही नहीं, कोई विकास नहीं। शौचालय या आवास किसी को सरोज जिसे सड़क साली पुरवा से और यह लोहारन पुरवा से बलदान पुरवा था। प्रधान कभी आते जाते हैं? जरूर लगता है, अगर कोई जात उनके पास तो आते भी। अच्छा, प्रधान यहाँ कभी जरूरत पड़ती है तो आते हैं? हाँ। नहीं आते, कोई बुलाना पड़ता तो आते। जैसे जब विकास की बातें जो करते हैं, जब वोट मांगने के लिए आते हैं तो क्या क्या वादा होता है? वो भाई हम लोग तो मालूम नहीं, हम लोग बाहर तो बहुत कुछ वादा कर लिया, वादा बहुत करते हैं, आखिर में कुछ नहीं। अच्छा, आखिर में कुछ नहीं, केवल वादा ही होता है। कभी यहाँ पर वीडियो या सिक्योरिटी कोई आला अधिकारी जाँच करने के लिए कभी कोई नहीं? किस ग्राम सभा के रहने वाले हैं? ये बताइए कि यहाँ का विकास खंड क्या लगता है? विकास खंड जमुनाहा लगे। पोस्ट नगर थाना कौन सा लगता है? मल्ली। ये बताइए कि इस रोड में काफी आने जाने में दिक्कत होती है, इसके बारे में आप लोग कुछ कहेंगे? भैया बहुत बड़ी दिक्कत, पानी वानी बरसने लगे थे तो एकदम बिल्कुल चेहरा भर गया था पूरा। जी जी, वह निकले वाले में यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत थी। जी जी, कद्दू चक्कर तीन हम लोग गिरे हम वो जगह पे। जी, तो आपने कभी यहाँ के स्थानीय ग्राम प्रधान को या किसी जिला अधिकारी को? प्रधान प्रधान से ज्यादा बोल चाल है नहीं, प्रधान का एक कार्यकर्ता है यहाँ पे। कार्यकर्ता है, क्या नाम है कार्यकर्ता का? गोविंद प्रसाद। गोविंद प्रसाद, तो इसके बारे में आप लोग जब कहते हैं तो प्रधान क्या कहते हैं? प्रधान का जब यहाँ पाटा या था जो है खोदा थे तो बाहर पाट देते। जी, यही आलम हो थे। फतेहपुर जनपद के किशनपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि किशनपुर थाना क्षेत्र रामपुर नहर पुलिया के पास बुधवार रात करीब 10 बजे गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर किशनपुर पुलिस ने एक अभियुक्त को 690 पौवा देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि बुधवार देर रात करीब 10 बजे गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर किशनपुर पुलिस ने कस्बा निवासी विक्रम सोनकर पुत्र पुरुषोत्तम को 690 पौवा अवैध देसी शराब के साथ रामपुर मोड़ नहर पुलिया के पास से थाना अध्यक्ष पंधारी सरोज के नेतृत्व में विजयपुर चौकी प्रभारी ब्रजेश सिंह कस्बा इंचार्ज बलबीर सिंह हमराही राजू सिंह अमित दुबे राम नारायण दुबे सुरेश यादव के साथ घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। बेलदौर पीरनगरा पंचायत के केहर मंडल टोला से कंजरी जाने वाले पथ में केहर मंडल टोला के पास बना हुआ पुल का अप्रोच पद ध्वस्त होने के कगार पर है। अप्रोच पद में दरार आ गई है। वहीं पीरनगरा के मुखिया प्रत्याशी और अश्विनी कुमार ने बताया
कि संवेदकों की लापरवाही के कारण उक्त पुल में बने अप्रोच पथ ध्वस्त हो गया है। उन्होंने संवेदक पर आरोप लगाते हुए बताया कि अप्रोच पथ प्रकलन के अनुसार नहीं बनाया गया है, इसमें रोलर नहीं चलाने के कारण उक्त पथ काफी कमजोर हो गया, जिसके कारण एक वर्ष में ही दरार आ गई। इस पुल के अप्रोच पथ में गड्ढे हो जाने के कारण कभी भी हादसा हो सकता है, इसलिए उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि उक्त पुल में बने अप्रोच पथ को अविलंब मरम्मत करवाने का प्रयास किया जाए। सही से मिट्टी नहीं डर लगे, कंक्रीट सही से डर लगे, स्पीड के पानी निकल गए। अच्छा, ये कौन टला है? गवर्नमेंट टला। अच्छा, कितना दिन पहले बना है? 3 साल। अच्छा, आपका नाम? राजकुमार। घर? गवर्नमेंट टला। ये कैसे अप्रोच पर टूट गया है? बस वही तो सही तो बोला, मिट्टी डालने में कसर हुआ, उसकी वजह से टूटा। मिट्टी बैठ गया, मिट्टी रोलर नहीं चलाया टाइट से, उस करके बैठ गया ये मिट्टी। अच्छा, रोलर चलाते मिट्टी टाइट होता नहीं टूटता। ये कौन जगह है ये पुल? ये कहर मंडल टोला पिनगरा में। हाँ, पिनगरा मौज है। अच्छा, आपका नाम? धर्मानंद मंडल। घर? कहर मंडल टोला। अगर हम जैसे पानी के लिए सब मिट्टी के लिए निकल, मिट्टी जैसे अंदर में जैसे कोई 2 फीट लमसम गड्ढा मिट्टी से अंदर निकल। अच्छा, अनबैलेंस भले तो मोटा ढलाई है, तेरा टूटना ही है ऑटोमेटिक, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये टूटने से दिक्कत भी है? दिक्कत नहीं है इसमें, फिर टूट जाएगा तो फिर इसमें मिट्टी गड्ढा हो जाएगा तो फिर गाड़ी घोड़ा चढ़ेगा कैसे इस पर? आदमी को जाने आने में भी कठिनाई होगा। आपका नाम? अश्विनी कुमार। घर? केहर मंडल टोला। जो रोड टूटा पुल, हमारे समाज का भी कुछ इसमें गलती है, जो कि उस पर सामान रख दिया जाता है, पर उससे भी मजबूरी है कि बारिश इतना रात में भारी पड़ा, जो कि मूस का बिल रहने के कारण से मिट्टी नीचे से खींचा जाने के वजह से प्लेट पुल का टूट गया। मेरा नाम उदय कुमार, समाज सेवी प्रतिनिधि पिनगरा पंचायत। दबंग राशन डीलर की गुंडई, राशन लेने गई महिला के साथ जमकर मारपीट की। महिला ने कम राशन देने का विरोध किया। कम राशन देने का विरोध करना महिला को महंगा पड़ा। तहसील क्षेत्र में रुकने का नाम नहीं ले रही राशन डीलरों की दबंगाई। कोरोना के बाद राशन डीलर की मार झेल रही है जनता। सहावर तहसील क्षेत्र के ग्राम सेवनपुर का ये पूरा मामला है। बीते सप्ताह भी तहसील क्षेत्र के एक राशन के गुंडे का मामला सामने आया था। तब गन्ना लेने गए, गन्ने के लिए तब गाली फाली बोला, बोल दिया कम देने लगा। हाँ सर, इसके पीछे पीछे लड़ाई झगड़ा हो गया। अच्छा। हाँ, तब फरियाद लेके आए तो मैंने, मतलब गरीब के लिए फरियाद ही करना पड़ती है। तो तुमने राशन देने का कम देने का विरोध किया था? हाँ, कम देने का विरोध किया था। अरे उसने हाथ कम दे रहा था। तो किस किस ने मारपीट की आपके साथ? हाँ, परवेजा सदाबा रूस था। हाँ, रुखसाना के लड़कों ने मुझे मारा। गन्ना लेने गए थे, गन्ना कम दिया था, फिर गन्ने कम दिया बचौलेंगे, उससे बचौले गाली बक रहे थे। मैंने की गाली क्यों बक रहे होगे? गाली बक के साहिल तो फिर इतने में साहिल मेरे बाल पकड़ लिए, बाल पकड़ के। कोरोना कोविड 19 महामारी और आगामी त्योहार को मद्देनजर रखते हुए नागरिकों की सुरक्षा, कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर गुरुवार की दोपहर रामराज थाने की बेराज चौकी पर एसआई योगेंद्र सिंह, पीआरवी 2241 पर तैनात एसआई कृष्णपाल, कांस्टेबल अशोक कुमार, कांस्टेबल शैलेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने चौकी पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों की गहनता से तलाश ली। पहाड़ों पर हो रही लगातार वर्षा के बाद हरिद्वार से छोड़े गए जल से मध्य गंगा बैराज पर गंगा का जलस्तर 220 मीटर पर पहुंच गया है। सिंचाई विभाग ने बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है और मछुआरों को गंगा में नहीं जाने की चेतावनी दी है। पहाड़ों पर हो रही लगातार वर्षा के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिसका असर रामराज के मध्य गंगा बैराज पर भी दिखने लगा है। गुरुवार की सुबह गंगा बैराज पर गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से ऊपर पहुंच गया है। गुरुवार की सुबह गंगा का जलस्तर अपस्ट्रीम में 251.50 मीटर रहा और डाउनस्ट्रीम 219 मीटर रहा। सुबह 6 बजे हरिद्वार से गंगा में जल छोड़ा गया। कौशाम्बी हाईवे मार्ग को 4 लाइन से 6 लेन में परिवर्तित करने का निर्माण कार्य चल रहा है। करेठी से लेकर ककोड़ा गांव तक 44 किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया, मार्ग का निर्माण संस्था में चालू कर दिया। किसानों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कार्य रोकने की मांग की।
हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला जज ने टीम के साथ निर्माणधीन मार्ग का निरीक्षण किया। करेंटी और काकोड़ा गांव के सैकड़ों किसानों की कृषि भूमि अधिग्रहित कर हाईवे मार्ग चौड़ीकरण का कार्य जारी कर दिया। किसानों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया। अधिवक्ता रजनीश पांडे ने 43 किसानों की याचिका मुआवजा भुगतान के लिए दाखिल किया। हाईकोर्ट के निर्देश पर कुलदीप सिंह, एसडीएम सरातू, एडीओ कोशाम्बी, हल्का लेखपाल के साथ करेटी से लेकर ककोड़ा तक निर्माणधीन मार्ग का निरीक्षण किया। शायद 18 हो गया है कौशाम्बी सरातू का ये मामला है। 2015 में किसानों की भूमि अधिग्रहण और यहाँ जो है जो अवार्ड बनाया गया 55 रुपये मजबूतर के हिसाब से बनाया गया और उनको बांट दिया गया। किसान जो है अपना मुआवजा पा गया। बाद में जब यहाँ की जब सरकार बनी तो उसने जो है मुआवजा कम कर दिया, किसानों ने उसको लेने से इनकार कर दिया। फिर NHI ने पैसा नहीं दिया और उसके बाद जो है यहाँ निर्माण कराने लगे। किसानों ने जो है माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। माननीय उच्च न्यायालय ने यहाँ जो है स्टे कर दिया। स्टे के बावजूद 26/2/2020 को जो है स्टे किया। लॉकडाउन के समय का ये लाभ उठाकर ये सारा निर्माण इधर कर दिया। इसका जो है किसानों ने जो है कंसेंट दिया था, उसमें आदेश हुआ था कि जो है आप निर्माण काम नहीं करें और ये निर्माण कार्य करते चले जा रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। इसी के उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कंटेम्प्ट किया गया और कंटेम्प्ट में माननीय उच्च न्यायालय ने माननीय डिस्ट्रिक्ट जज कौशाम्बी को कमीशन के लिए नियुक्त कर दिया। आज वो इस कमीशन के लिए आए हैं अपनी रिपोर्ट के लिए, जो ये सब जांच हो रही है। मैं रजनीश पांडे, पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष युवक कांग्रेस, पूर्व जिला पंचायत सदस्य कौशाम्बी। कौशाम्बी हाईवे पे लोगों की जमीन देख रहे हैं, क्या मामला है? किसानों की जमीन NHI ने एक्वायर किया है, कंपनीशन बना था, उसका अवार्ड नहीं मिला और उसके अवार्ड के रहते हुए नया अवार्ड बना दिए, जिसके खिलाफ मुकदमा हुआ। हाईकोर्ट ने सर्टिफिकेट अवार्ड को ध्वस्त कर दिया है और उसके बाद सारे निर्माण पर रोक लगा दिया। उस रोक के बाद भी NHI काम करा रहा है, उसमें कंटेंट दाखिल हुआ है। उसी कंटेंट में माननीय न्यायालय ने पौशाम्बी सरकार को कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट किया है कि आज मुझे काम करना करके और तब तक 5 बजे के बाद दीजिए ताकि अपनी कार्रवाई। स्टे के बावजूद निर्माण करा है, इसके बावजूद भी बहुत जल्दी काम कराया है NHI ने। उसके बहुत कंटेंट हुआ है, इसलिए आदेश हुआ जिसका आज हुआ है। आपका नाम और यूपी के कौशाम्बी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी कार्यवाही में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बदमाश की गोली लगने से 1 सिपाही भी घायल हुआ है। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश पोखराज वाइन शॉप डबल मर्डर केस के हत्यारोपी बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मुठभेड़ की ये वारदात पोखराज थाना इलाके के सिहोरी गंगा ओवरब्रिज के पास की है। SP अभिनंदन सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने सिहोरी गंगा ओवरब्रिज के पास बदमाशों की घेराबंदी की। बदमाशों ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिससे 1 सिपाही घायल हो गया। पुलिस ने भी अपना बचाव करते हुए जवाबी कार्रवाई की। पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए हैं। देखिए, हमारे यहाँ 23/24 की रात को एक डबल मर्डर हुआ था, जिसमें कि एक देसी शराब की दुकान और एक अंग्रेजी शराब की दुकान, इन दोनों के बाहर बैठ जो सो रहे सेल्समैनों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में हम लोगों ने कई सारी टीमों को लगा रखा था, जो कि लगातार इस पर काम कर रही थी। और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता चला कि इसके जो मुख्य आरोपी हैं गयादीन नाम का व्यक्ति, वो यहाँ पर छिपा हुआ है और वो एक दूसरी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। तो लगा हम लोगों ने अपनी जो हमारी जो टीमें हैं वो तत्काल यहाँ पर पहुँची और उसके साथ एक और व्यक्ति है जिसको रंगबाज कहते हैं, रंजीत उस रंगबाज कहते हैं, वो दोनों यहाँ पर थे और एक घटना की योजना बना रहे थे। पुलिस को देखते ही तत्काल उन लोगों ने फायर भड़ूक दिया पुलिस पर, जिसमें कि हमारा एक कांस्टेबल भी घायल हुआ है। और जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी अपने आत्मरक्षा में गोलियाँ चलाएँ, जिससे कि कभी इन दोनों अभियुक्तों को गोली लगी है। तत्काल इन्हें मेडिकल उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है और आगे की आवश्यक कार्रवाई